नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज अनिल, हम लोग काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहे हैं। मेरे ख्याल से लास्ट 14 या 15 दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं जी। और इस प्रोसेस में देखा जाए, हम लोग क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए समय के अभाव में हम लोग नहीं बना पाए जी। तो हमारे पास जो भी लेटेस्ट डिज़ाइन आती है हम कोशिश भी करते हैं कि उसके बारे में हम लोग जानकारी शेयर करते रहें। तो एक बार फिर से हमारे पास जो लेटेस्ट डिज़ाइन आई है, और बनी तो काफ़ी हैं पर कई हम वीडियो मिस कर गए, बना नहीं पाए, पर हम प्रॉमिस करते हैं कि आप बैक टू बैक हम वीडियो फिर से बनाएंगे जी। तो अनिल, आपसे निवेदन करेंगे, एक बार आप दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर अनिल देखेंगे इसमें भी, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा है, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक एक बार दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब अनिल, हम लोग बात कर लेते हैं इसका, अगर आप देखेंगे ओवरऑल वर्क के बारे में, अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, आपका हैंडल पर अगर आप देखेंगे इसमें, क्योंकि ये बिडिंग की जैसे पाइपिंग होती है, ये अपर पार्ट में सिलाई की जाती है जी। तो ये टोटल आपके दोनों साइड हैंडल में सिलाई की गई है, और इसको आम भाषा में बात करेंगे इसको कैप्सूल बोलते हैं जी। तो ये सभी जगह आपको अगर देखेंगे इसमें, इस वाले पूरे पार्ट में आपके हैंडल में इस्तेमाल किया है अप, और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें भी इस्तेमाल किया गया जी। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे का बॉर्डर देखेंगे उसमें भी इसी तरीके का पूरे हमने कैप्सूल इस्तेमाल किए हुए हैं। अच्छा, इसकी खास बात भी है, एक तो हमने मैचिंग का कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा है जी, कि जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अच्छा रहे। तो इसके साथ जनरली हम लोग जो लैग इस्तेमाल करते हैं, वो हम जानते हैं आप कि हम लोग प्लास्टिक की जो फाइबर वाली लैग आते हैं वही प्रेफर करते हैं, पर जब डिजाइनर कोई आता है हमारे पास तो हम कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर की डिमांड है उसी के हिसाब से हम मैचिंग करें जी। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें जो गोल्डन कलर का जो हमने कैप्सूल इस्तेमाल किया है वही सेम गोल्डन कलर का, इसमें 4 इंची हमने लैग भी इस्तेमाल किया है जी। अगर आप पफी में भी देखेंगे, पफी में भी हमने बफर इस्तेमाल नहीं किए हैं, इसमें भी हमने लैग ही इस्तेमाल किए हैं, और सेम आपका टेबल के साथ भी है, इसमें भी हमने 4 इंची लैग इस्तेमाल किया। एक तो भी इसकी बात हम बात कर लेते हैं, आप सीटिंग में अगर आप देखेंगे तो सीटिंग में उसी तरीके का जो हम लोग सॉफ्टी के साथ वर्क करते हैं, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं या तो स्ट्रेट रहती है डिजाइन, या फिर आप क्रॉस में या वर्सी डिजाइन में, पर ये हमने जो डिज़ाइन थोड़ा सा किया है थोड़ा बड़ा बड़ा, और ये हमने थोड़ा देखा भी, कोशिश की है कि इसमें लुक कैसा आता है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक भी आ रहा है। और इसी तरीके से थोड़ा सा वर्क हमने जो किया है इसके कुशन में भी किया है, कुशन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमें पूरा लुक जो दिखाना था। ये देखिए, अगर आप हैंडल की बात करें, ये जो आपकी सिलाई की गई है यही सेम हमें पैटर्न आपका जो है कुशन में भी दिखाना था जी। एक साइड हमने इसको प्लान रखा है क्योंकि उनको ज़्यादा उनको सिंगल कलर में ही चाहिए था, तो डबल कलर करना करके हमने सिंगल ही करा है, पर हमने इसमें भी कोशिश करी है कि डबल हमने अस्तर के साथ इसमें दोनों साइड, अगर आप चैन के साथ अगर आप धुलना चाहो तो आप इसमें धुल भी सकते हैं जी। तो ये हम कोशिश करते हैं जितना भी लग्जरी आइटम बनता है उनमें सभी हम लोग कवर वर्क के साथ देते हैं जी। और इसमें अगर आप अंदर की पार्ट में भी देखेंगे, एक तो हुई इसकी बात, पाइपिंग का है ही है, अगर आप प्लान में भी रखना चाहें तो इसको प्लान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बिल्कुल प्लान चाहिए कोई वर्क नहीं चाहिए। ये तो हमने एक एडिशनल दे दिया है कि मान लीजिए इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं बिल्कुल सिंपल एंड सोवर वाला लुक, तो उस तरीके का भी लुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब ये बिल्कुल प्लान आ गया जी, इसी तरीके से अगर आप पूरे आप टर्न कर देंगे तो देखिए इसकी खासियत ये है। देखिए, एक तो इसमें सिलाई का है, सिलाई के हम हर बार डिस्कस भी करते रहते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, जो लंबे समय तक कपड़ा इस्तेमाल होता है तो लूज हो जाता है ऊपर, तो एक तो इसमें ये कंप्लेन नहीं आती है, अब कहें जितना ही इस्तेमाल हो, और दूसरी चीज़ कम्फर्ट काफ़ी बढ़ जाता है, अगर आप इसको में बैठेंगे तो एक कम्फर्ट का जो लेवल है जी वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये दोनों बेनिफिट रहते हैं, एक तो ये डबल स्तर का कपड़ा है तो वैसे भी हैवी कपड़ा रहता है जी, उसके ऊपर अगर सॉफ्टी के साथ सिलाई हो जाती तो उसकी क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है जी। अब इसके साथ एक पार्ट जो अभी एडिशनल पार्ट है उसमें भी वर्क चल रहा है, तो वो भी जल्दी से बन जाएगा। वो हमने एडिशनल पार्ट आपका 2.5x3 का एक एडिशनल पार्ट है, जो कि अगर आप मान लीजिए कभी सामने टीवी लगाए तो उसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं जी। अभी कस्टमाइज टेबल है, टेबल के बारे में इसलिए बात करते हैं कि जल्दी कस्टमर देखता है तो उसको टेबल का कॉन्सेप्ट कई बार नहीं समझ में आता है जी, कि टेबल का है। अब इनका जो टेबल इन्होंने बनवाया है वो इस तरीके से बनाया है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ग्लास था तो उस ग्लास के हिसाब से ये टेबल बना हुआ है। ये हम बात करें अनिल, शायद 2x4 का बना हुआ है जी।
तो 2x4 का टेबल में क्या है, अगर आप ग्लास के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर आप लंबा लंबा रख लेंगे तो पूरा कवर भी हो जाता है। कई लोग थोड़ा सा ग्लास को बाहर भी रखते हैं, बाहर रखने से देखो दोनों बेनिफिट हैं जी जी। अगर जिसके यहाँ पे बच्चे नहीं है छोटे, उनके लिए तो बैलेंस बोर्ड है, जिनके यहाँ छोटे बच्चे उनको हम लोग सजेस्ट नहीं करते जी जी। वो अगर फिक्स रहता है इस वाले पार्ट के अंदर रहता है तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। अगर बाहर होता है कई बार बच्चे खोलते गलते तो उनको चोट लगने का डर भी रहता है, तो ये हम पर्सनली सजेस्ट भी करते हैं। अब इसकी हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी वाइज जो हम लोग अनिल जो हम हर एक में जो हम बताते भी हैं, एक तो सर्विस के रिगार्डिंग हमारी सर्विस हमेशा के लिए कभी भी आप जो हम गारंटी 5 साल का देते हैं जी। तो उसके बाद भी अगर आप सर्विस लेते हैं तो फ्री है। अब कॉस्टिंग की बात करें, दें कई लोगों का आया कि सर कॉस्टिंग जो आप पर सीट में बताते हैं, पर सीट में हमें इसलिए बताते हैं, उसका एक रीज़न भी है। देखिए कस्टमाइज सोफे बनते हैं तो कोई छोटा भी बन जाएगा कोई बड़ा जी। तो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह सकता है कि एक हम जो हमने क्राइटेरिया बनाया है पर सीट के हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं वो 21 इंच का रहता है 21 इंच का। जैसे जनरली आप 5 सीटर आप देखेंगे मार्केट में मिलता है तो उसमें आपका 3+1+1, तो जो आप 1 वाले के आप देखेंगे जो अंदर का जो मेजरमेंट रहता है वो 21x22 का रहता है जी। तो वो ये स्टैंडर्ड है, वो आप कहीं भी लें, अगर आप यहाँ भी लें या सिटी के बाहर या कहीं भी आप लेते हैं या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर करते हो तो वो स्टैंडर्ड सीट रहती है, वो 21 इंच का रहता है। तो उसी के हिसाब से इसका काउंट होता है जी। अगर इसकी हम पर सीट के हिसाब से बात करें तो ये 7,500 रुपये पर सीट के हिसाब से इसमें चार्ज किया गया जी। क्योंकि ये क्वालिटी के हिसाब से, इसमें वर्क के हिसाब से, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें 3 दिन का समय लगा है जी। तो एक जो हम लोग जनरली जो बनाते हैं, मान लीजिए 1 दिन में बन रहा है और एक में जिसमें समय ज़्यादा लग रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है जी। कई लोग कहते हैं कि सर कपड़ा सेम है, सारी चीज़ें सेम है तो उसका रेट क्यों बढ़ रहा है? तो रेट का रीज़न भी यही है, जिसमें समय ज़्यादा लगता है, जिसमें वर्क ज़्यादा रहता है तो ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है जी। और क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि जिस क्वालिटी में आप चाह रहे हैं, कौन सा फैब्रिक आप सिलेक्ट करते हैं, तो ये भी मैटर करता है। तो अभी हम इसी को क्लोज करते हैं। अब हम प्रॉमिस करते हैं कि बैक टू बैक जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके बारे में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।